पैराग्राफ नहीं आओ ठीक है पाँच नंबर का पैराग्राफ हो गया क्लोज टेस्ट में था या वैसे था ज्योमेट्री था कितने क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के होंगे तीन से चार तीन से चार और बाकी अर्थमेटिक में अर्थमेटिक के सवाल थे भाई परसेंटेज के थे और बोर्डिंग वगैरह मैट्रिक और रेशन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट प्रोफेशन के तीन से चार कैसे क्वेश्चन थे मतलब मॉडरेट से इजी थे टफ थे कैसे ये आसान थे ओके एज के ऊपर थे दो एज के ऊपर दो क्वेश्चन थे और बोर के रहे हैं तो के रहे हैं और इंग्लिश का कैसा था इंग्लिश का आसान थे पाँच से दस एंटोनियम सिनोनियम पाँच कोई एंटोनियम सिनोनियम आपको याद ऑब्लिगेटरी का सिनोनियम ऑब्लिगेटरी का एक्सोडोस था वही एक्सोडोस एक वो है भाई वो क्या कह रहा है आइटम फ्रिज में था ब्रेक द नट वाला था एक तो और एक जो वन वो गाना गाया जब वन कैन सैंग बुरेली बुरेली मतलब उसका टाइम पर कैसा गाना गाया था जी 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 में क्या कह रहा था जी के भाई करंट अफेयर बहुत चल रहे बहुत आ रही थी करंट अफेयर कितनी आ रही होगी लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर दो तीन तक मेरे ख्याल से पुस्तकें के लेखक यूज रखे ओके बुक्स एंड ऑथर वाले हां शशि थरूर की बुक शशि थरूर शशि थरूर का जो है एंटेंट में आया है वो तारक ने सुन के राड़ी कौन सा जीरा डार्क जीरा डार्क जीरा डार्क ओके और भाई एक तो साथी का श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का प्रेसिडेंट अरे छत्तीसगढ़ का सीएम अरविंद्र लगातार चार सीरीज में दो रास्ते की ने बना रखे लगातार चार सीरीज में दो रास्ते लगातार सेंचुरी टेस्ट मैचेस में हर भाई एक वो सात जी का सतूप बनाया कौन सी सदी में बनाया था 1814 को 20 22 को बनाया इसको फाउंड कब किया गया था किसको फाउंड किया गया था पहला तो पहले था तो फाउंड कब किया गया था और रीजनिंग में क्या कह रहा था रीजनिंग में तो भाई आकर किया रही सर रीजनिंग में रीजनिंग में क्या कहता था नंबर सीरीज भी थी और जो नंबर सीरीज वो आखिरी दिन ही होती वो की पेपर फोल्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन के भी तीन चार सवाल आ रहे थे इनमें भी और पेपर फोल्डिंग और पेपर फोल्डिंग में बना नहीं पाता हूं ऐसे ही मिरर इमेज वाटर इमेज वगैरह थी नंबर मिरर की थी मैथ में कितना रहा आप सर आपका स्कोर मैथ में भाई मेरे हुए 24 आपके सर और आपको 14 और रीजनिंग में 21 सर आपके मेरे 18 भाई इंग्लिश में 25 हुआ पूरे बहुत आसान इंग्लिश आसान आ रही और रीजनिंग एक्टिव आ रहे थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन ये आ रही थी इंग्लिश तो सर आप क्या कहोगे मतलब जो पेपर था वो मॉडरेट था कैसा था इजी बोलेंगे ना और जो मतलब जैसे मैथ हो गई इंग्लिश हो गई रीजनिंग मतलब सब टाइम था अगर आप प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 4-5% बच्चे रहने के चलता मतलब लास्ट अभी जो सीपीयू का पेपर आया उसको देखते हुए आपने सीपीयू का पेपर देखा तो होगा तो सीपीयू का पेपर देखते हुए अच्छा सर जैसे सर ने कहा 5 पैराग्राफ थे 3 से 4 ट्रिग्नोमेट्री एक हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री और रेशियो प्रोपोर्शन कुछ मैथ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल बता देंगे असाइनमेंट वर्क में आगे असाइनमेंट वर्क कर रहा था भाई ए बी सी है वो अपना काम करने लग रहे क्या क्वेश्चन दिन दो दिन दिन चार दिन बनवाए तो दो तीन चार पांच क्वेश्चन ऐसे कितनी है अपन ठीक है सर्किल में क्वेश्चन इतना पैसा हम वो कर दो लाइक लाइक कर दो ये
टाइम वर्क का जो आप बता रहे थे ये भी टाइम वर्क हो गया वो एक ना फिर काम छोड़ जाए।